इनको हरी फसलों से बहुत ज़्यादा नुकसान है। मिनट सिकंडों में पत्ते खा जाती हैं और थालियाँ, और हम लोग थालियाँ बजा के किसी तरह हटाते हैं, एक तरफ हटाते हैं, दूसरे तरफ फिर जाके बैठ जाती हैं। पूरे खेत में मान लिया कि 10-5 बीघा का प्लाट होता है तो एक साइड हटाते हैं, दूसरी तरफ फिर भाग जाती हैं। ऐसे हटाते में हटती नहीं जब तक पत्ते खा नहीं लेती, जब तक हटती नहीं। क्या नाम है सर? सतीश कुमार पांडे, जिला कृषि अधिकारी बहराइच। आज टिड्डी बहराइच में पहुंच गई है। हाँ, टिड्डी दल जो है सुबह 11 बजे सीतापुर बिसवा में था, बिसवा से रहुआ होते हुए बहराइच बाट सीमा में प्रवेश की। वो जो चरघारी घाट है पुल क्रॉस की, हम लोग बॉर्डर सीमा पे लगे रहे। पूरी टीम चारों ओर हर ब्लॉक पे तैनात कर दी गई है, वो देखते रहे किधर किधर ये दल जा रहा है। दिन में जो है किसानों से ये कहा जा रहा है कि वो थाली, ढोल, मजीरा या शोरगुल करके इनको उड़ाते रहें, भगाते रहें। पूरी टीम ये वाच कर रही है कि रात में अगर ये बहराइच में स्टे करती हैं तो वहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा, दवा का छिड़काव करके उनको मारा जाएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रहेंगी, पावर स्प्रेयर मशीन रहेंगी, ट्रैक्टर द्वारा जो चालित है वो तमाम चीज़ों की व्यवस्था है अपने पास। 100 लीटर दवा हम लोग ऑलरेडी पहले से तैयार करके रखे हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 9,000 लीटर उसकी दवा बनाई जा सकती है, उसे टिड्डियों को मारा जाएगा। लेकिन जब तक ये स्टे नहीं करेंगे तब तक इनको मारना पॉसिबल नहीं है। तो इनको दिन में केवल भगाया ही जा सकता है शोरगुल मचा करके, चाहे वो थरिया बजाएं, ढोल बजाएं, मजीरा बजाएं, डीजे बजाएं या मोटरसाइकिल साइलेंस निकाल करके आवाज़ से इनको उड़ाया जाए, भगाया जाए। अभी पूरी टीम कृषि विभाग की और शासन की टीम जो है लगी हुई है, FDM सिटी मजिस्ट्रेट सभी लोगों से बात हो चुकी है, फायर ब्रिगेड वालों से बात हो चुकी है, वो सब तैयार हैं। जहाँ भी स्टे करेगी, जो टीम बताएगी कहाँ स्टे कर रहा है वहीं पर हम लोग पहुँचेंगे, रात में इसको ऑपरेशन किया जाएगा, रात में मारने का काम किया जाएगा।